बेसिकली हमको टेंडर भरते वक्त अपने को डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगता है और उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो मैं आज आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कैसे देखते हैं, कोई भी टेंडर भरना है तो उसका डॉक्यूमेंट्स, उस टेंडर के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा, और आप जब टेंडर भरेंगे तो डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्मेट में बनाना है, कैसा बनाना है। हम आपको आज जो ट्रिक्स बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 5 मिनट के अंदर कोई भी टेंडर का डॉक्यूमेंट्स इजीली बना सकते हैं, सिर्फ आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स टेंडर रीड करेंगे, उसमें से आपको इजीली, अभी टेंडर के डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे पेजेस के होते हैं, 50, 100, 200 पेजेस तक भी होते हैं, तो उसमें से आपको टेंडर के डॉक्यूमेंट्स कैसे इजीली मिलेगा उसके लिए भी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। और टेंडर के डॉक्यूमेंट्स आप होने के बाद, जैसे आपके टेंडर के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल गई, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली टेंडर का डॉक्यूमेंट्स कैसा प्रिपरेशन करेंगे और टेंडर में किस प्रिपरेशन पे किस तरीके से अपलोड करना है। कभी पीडीएफ में बोला जाता है, रार में बोला जाता है, जेपीजी में बोला जाता है और एक्सेल फाइल में बोला जाता है। तो आपको टेंडर के डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में बनाना है और कैसा बनाना है, यदि पीडीएफ में है और आपके फाइल दूसरे किसी फॉर्मेट में है तो इजिली आप कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये सब के बारे में आज हम डिटेल्स में ये वीडियो बनाएंगे। तो आपको ये सभी वीडियोस कैसे आपको बनाने हैं उसके लिए मैं आपको आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आप उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स भी है जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू से भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैं एक टेंडर लेता हूँ, बेसिकली मैं सीपीडब्ल्यूडी का एक टेंडर लेता हूँ। तो यदि आपको सीपीडब्ल्यूडी का साइट नहीं पता तो मैं, आप सीपीडब्ल्यूडी का इस तरीके से साइट आप ढूंढ सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी ई प्रोक्यूरमेंट बोल के हम सर्च कर देंगे। यहाँ पे आपका ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम बोल के आ गया सीपीडब्ल्यूडी का। सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग तरीके से सर्च का है। यदि आप मेरे सर्च कैसे टेंडर प्रॉपर वे से सर्च करते हैं आपको नहीं पता है, तो हमने एक टेंडर सर्च के ऊपर वीडियो बनाया है जहां से आप देख सकते हैं टेंडर कैसे सर्च करते हैं। जो बोलते हैं कोई कोई टेंडर नहीं मिलता तो वैसे भी टेंडर कैसे मिलते हैं, उसके लिए आपने एक टेंडर सर्च के ऊपर वीडियो बनाया जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं एक टेंडर लेता हूँ टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पे सबसे पहला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर, इसका ही हम एक टेंडर ले लेते हैं। इसका एक ही टेंडर है, ये वाला टेंडर, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे इसके डिटेल्स आ गए, ये टेंडर भरना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला, ये टेंडर मुझे किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो यहाँ पे मुझे लिखा है, यहाँ पे मुझे इस टेंडर के लिए सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स बनाना है, टेक्निकल के लिए एनआईटी लिखा हुआ, मतलब नोटिस के अकॉर्डिंगली जो भी टेंडर में डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे अपलोड करना है और सब डॉक्यूमेंट्स मुझे पीडीएफ में अपलोड करना है। मतलब मुझे यहाँ से ये पता चल गया मुझे डॉक्यूमेंट्स एक ही बनाना है और सब डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट पीडीएफ में होने चाहिए, जो भी मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा उसका फॉर्मेट पीडीएफ, और फाइनेंस में मेरा बीड एक्सेल में है जिसका बीओक्यू मुझे नीचे से मिल जाएगा। तो मैं ये टेंडर ले रहा हूँ, तो अब मुझे सब डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में बनाना है। तो यहाँ पे दो फाइल मुझे डाउनलोड करना होता है बेसिकली, एक टेंडर नोटिस और ये जिप फाइल। तो मैं सबसे पहले टेंडर नोटिस डाउनलोड करता हूँ, मेरा यहाँ पे टेंडर नोटिस डाउनलोड हो रहा है और दूसरा मेरा ये जिप का फाइल, ये टेंडर के डॉक्यूमेंट्स है। कभी कभी यहाँ पे टेंडर, ये जो जिप फाइल, इसके अंदर सिर्फ बीओक्यू, देखिए यही बीओक्यू आपको अपलोड करना है, दूसरा कोई बीओक्यू अपलोड नहीं होगा। कभी कभी इसके अंदर भी टेंडर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मुझे सबसे पहले हम लोग टेंडर नोटिस में देखेंगे टेंडर के डॉक्यूमेंट। यदि हमको टेंडर नोटिस में टेंडर के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो मैं नीचे के ये जिप का फाइल के डाउनलोड, यहाँ पे एक पीडीएफ का फॉर्मेट भी होता है, तो इस पीडीएफ के फॉर्मेट में मेरा टेंडर का डॉक्यूमेंट्स होगा। तो मैं ये दोनों के टेंडर का जो फाइल है इसको मैं पहला एक फोल्डर बना के कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, जो बेसिकली मुझे ये बनाना है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में गया, यहाँ पे न्यू फोल्डर में नागपुर मेडिकल का टेंडर है, तो मैं नागपुर मेडिकल का ये टेंडर फोल्डर का नाम डाल के इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, पेस्ट। पहला मेरा जीप फाइल मैंने कर लिया, उसके बाद मेरा टेंडर नोटिस आता है, तो टेंडर नोटिस का ये वाला फाइल है, मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट कर लिया। तो मुझे अभी यहाँ पे टेंडर के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए। हमको कभी भी एक्सेल का फाइल जो बीओक्यू बनाना है तो सबसे पहले मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। यदि आपके कंप्यूटर में रार का सॉफ्टवेयर है तो आपको इस तरीके से आपको फाइल दिखेगा, इसको सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। सेम लोकेशन पे आएगा, मुझे एक्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि विदाउट एक्सट्रैक्ट हम ये
बीओक्यू फिल नहीं कर सकते। अभी यहीं से मुझे बीओक्यू फिल करना है, आप यहाँ से यदि बीओक्यू फिल करेंगे तो ये टेंडर आपका फिल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे टेंडर नोटिस देखता हूँ। सबसे पहले देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी ये से पता हो गया है मुझे एक ही डॉक्यूमेंट बनाना है और वो पीडीएफ फॉर्मेट बनाना। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट देखता हूँ, डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या क्या लगने वाला है इस टेंडर के लिए। हो सकता है कि कभी कभी आपको टेंडर नोटिस में ना मिले, तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो रार फाइल आप जो डाउनलोड करेंगे उसके फाइल में भी रहता है। तो यहाँ पे है ये टोटल 20 पेज का, चलो ये कम पेज है फिर भी मुझे यहाँ से इजीली मिल जाएगा स्क्रॉल डाउन करके। कभी कभी ये 20 पेजेस 100 पेजेस के भी होते, तो उसके कंडीशन में हम कैसे टेंडर को सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको कीवर्ड्स बताता हूँ, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स बोल के सर्च कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स बोल के सर्च करेंगे तो ये मेरा अभी स्टार्ट डेट का है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट नहीं है। मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पर भी ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट नहीं है, ये भी नहीं है। ये वाला भी नहीं है, जब तक मुझे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट नहीं मिलता तब तक मैं इसको इंटर इंटर करते जाऊंगा। देखिए यहां पे मुझे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मिल गया, यदि आप देखेंगे इसको तो इसको वो क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं। यदि आपको डॉक्यूमेंट से नहीं मिला तो आप क्वालिफाइंग बोल के भी सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल बोल के भी सर्च कर सकते हैं, ऐसे दो तीन कीवर्ड्स है जहां से आपको सर्च कर सकते हैं। तो मुझे इसके अंडर जो ये मेरा सी पॉइंट है इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ मेरे पास जो फॉर्मेट है किस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे सबसे पहला वैलिड अब मुझे मांगा है वो है फूड लाइसेंस। तो मेरे पास मैंने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे वो सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से मैं फूड लाइसेंस देखता हूँ, ये मेरा फूड लाइसेंस है, इसको मैं कॉपी करेंगे और हमारा उसी फोल्डर में हम रख देंगे। यहाँ पे मैंने फूड लाइसेंस को कॉपी रखा, पर ये मेरा जेपीजी में, मुझे सभी डॉक्यूमेंट्स का एक पीडीएफ बनाना है। इसके बाद आता है एनुअल टर्नओवर, लास्ट 3 इयर्स का मुझे टर्नओवर देना है। तो मैं यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स का टर्नओवर देखता हूँ, आईटीआर है क्या, नहीं आईटीआर नहीं है। यहाँ पे मेरा आईटीआर मुझे मिल जाएगा, आईटीआर देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 साल का आईटीआर है, इसको भी कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे आईटीआर भी मिल गया। आईटीआर के बाद आता है मेरे पास पीएफ ईएसआईसी का, यदि आपके पास है तो पीएफ ईएसआईसी का, तो मेरे पास पीएफ ईएसआईसी का लाइसेंस है तो मैं पीएफ ईएसआईसी देखेंगे। यहाँ पे पीएफ मिला मुझे और यहाँ पे ईएसआईसी, दोनों को कॉपी करते हैं। यहाँ पे मुझे पीएफ ईएसआईसी भी मिल गया। यदि आपका कंपनी ज्वाइंट वेंचर में है तो ज्वाइंट वेंचर, मुझे ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे एक्चुअली बोला है ज्वाइंट वेंचर नहीं लगेगा, तो ज्वाइंट वेंचर की जरूरत ही नहीं है। आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा तो मैंने अंडरटेकिंग भी बना के रखा है, यदि आपने नहीं बनाया है तो आप ये टेंडर के अकॉर्डिंगली आपको अंडरटेकिंग बना के रखना पड़ेगा, अंडरटेकिंग। और ये सभी मेरे डेमो है, आपको अपने अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा, अंडरटेकिंग। उसके बाद ज्वाइंट वेंचर्स नहीं हो चाहिए मुझे, लेटर हेड में अंडरटेकिंग हो गया। लिस्ट ऑफ प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब मुझे यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस या वर्क इन हैंड मुझे दिखाना पड़ेगा, वर्क इन हैंड या वर्क डन। मैं यहाँ पे वर्क डन ले लेता हूँ एक और वर्क डन को यहाँ पे डाल देता हूँ, वर्क डन। यहाँ पे मुझे मेरा वर्क डन मिल गया। और यहाँ पे पीएफ ईएसआईसी हम लोगों ने ले लिया था। ये सभी डॉक्यूमेंट जो थे हमारे ये टेंडर को लगने वाले डॉक्यूमेंट थे, मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया और ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे बना लिया। इसके साथ मुझे यहाँ पे जो मेरा लगेगा वो है टेंडर फीस और ईएमडी का, या फिर एफिडेविट भी लग सकता है। यदि आपको एफिडेविट लग रहा है तो एफिडेविट भी ले सकते हैं। एमएसएमई का यदि आपने यहाँ पे अभी एमएसएमई मेंशन किया हुआ, यदि आपके पास एमएसएमई है तो एमएसएमई का ले सकते हैं। लेबर लाइसेंस, यदि आपको लेबर लाइसेंस, यहाँ पे पैन कार्ड लगता ही है कोई भी डॉक्यूमेंट्स को। मेरा पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन है ये ले लेंगे, और शॉप एक्ट हम यहाँ पे ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी मैं ले लेता हूँ।
यहाँ पे मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने ले, अब ये सब डॉक्यूमेंट्स को मुझे बोला है एज ए टेंडर्स में कि मुझे सबको एक ही फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब डॉक्यूमेंट्स को मुझे पीडीएफ बनाना है, तो मैं अभी सब डॉक्यूमेंट्स को सिंगल पीडीएफ में बनाता हूँ। कैसे सिंगल पीडीएफ में बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं कोई भी एक पीडीएफ खोल लेता हूँ या फिर इमेज है तो इमेज खोल। तो सबसे पहला मेरा डॉक्यूमेंट फूड लाइसेंस था, तो मैं इसको ही ओपन विद करके, मेरे पास एक पीडीएफ प्रोफेशनल का सॉफ्टवेयर है, यहाँ से मैं इसको फूड लाइसेंस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा फूड लाइसेंस मुझे मिल गया। मैं यहाँ पे देखने के लिए मुझे इजी हो इसलिए व्यू में जाऊंगा और डॉक्यूमेंट असेंबली पे क्लिक करूंगा, तो मुझे यहाँ पे छोटे छोटे में दिखना चालू हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, पेज इंसर्ट, यहाँ से मैं अभी डॉक्यूमेंट सबका एक पीडीएफ बना रहा हूँ, या अलग अलग जेपीजी भी बन जाता है एक साथ और पीडीएफ भी बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे डाला था नागपुर मेडिकल्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं सभी पीडीएफ्स को ले लेता हूँ, चाहे तो ऑल फाइल्स या फिर इमेज फाइल्स को, तो मैं यहाँ पे इमेज फाइल जितना है उसको पहले सिलेक्ट कर लिया। सब डॉक्यूमेंट्स मुझे लगने वाले हैं अंडरटेकिंग, इसको ओपन कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट मेरा वो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे सभी फाइल्स देखे, मैं यहाँ के अकॉर्डिंगली अप एंड डाउन करके अरेंज भी कर सकता हूँ अप एंड डाउन से। अभी मैं फिलहाल ऐसे का ऐसे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स मेरा पे आ गया, ये मेरा डबल आया, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करना आपको बाद में दिखाता हूँ। और भी मेरे पास पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स है जिसको मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं पेज में जाके इंसर्ट, देखिए यहाँ पे मुझे बाकी का इंसर्ट करना है, वर्क डन सॉफ्ट पीडब्ल्यूडी पैन कार्ड, ये भी मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं ये भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स मेरा इंसर्ट हो गया। अभी मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, अभी मुझे ये मेरा डबल आ गया, तो मैं इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूँ, राइट क्लिक करेंगे डिलीट डिलीट यस, ये डिलीट हो जाता है इजिली मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। एक तो सबसे ये ईजी है कि मुझे एक ही पेज में दिख जाता है, ताकि मेरा कोई गलती हुआ तो भी मुझे उसको देखने को मिलेगा। अभी आईटीआर यहाँ दो पेज है और एक पेज इधर चले गया, मुझे सभी आईटीआर एक साथ चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा और इसको ड्रॉप कर, तो मुझे यहाँ पे तीनों आईटीआर एक साथ मिल जाता है। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को इधर का उधर भी चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे आपको पैन कार्ड यहाँ पे चाहिए, तो आप यहाँ पे पैन कार्ड को शिफ्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को अपने हिसाब से। अभी इसको यदि मुझे ये सभी डॉक्यूमेंट मेरा अरेंजमेंट हो गया और प्रॉपर हो गया, तो मैं इसको जाऊँगा फाइल में सेव एज, डेस्कटॉप में नागपुर मेडिकल, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ एनआईटी डॉक्यूमेंट। बेसिकली हम यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस दिया तो ये फाइल अपलोड नहीं होगा, इसके वजह से एनआईटी डॉक्यूमेंट्स बोल के इसको सेव कर। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट्स, ये मेरा सेव हो गया, सेव होने के बाद मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मेरा प्रिपरेशन हो गया। अभी मैं यहाँ से जाके एनआईटी डॉक्यूमेंट्स से मैं वो डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ एनआईटी को डाल के इसको अपलोड कर लूंगा। एनआईटी ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मैं जब टेंडर भरूंगा तो खाली यही डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगा। दूसरा मेरा है बीओक्यू का, तो बीओक्यू का मेरा यहाँ पे है, मैं इसको बीओक्यू को देख लेता हूँ। यदि आपको बीओक्यू कैसे फिल करते हैं वो नहीं पता, तो बीओक्यू देखिए, ये हमारा फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी मुझे यहाँ से पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए इसका फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपको पर मंथ में आपको कितना देना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा जो भी रेट मेरा बजट टेक्नो आईटी सॉल्यूशन के ले रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे मंथली कितना बिलिंग करना है, तो मैं यहाँ पे हर मंथ का उसके अकॉर्डिंगली मुझे 6,70,000 का बिलिंग चाहिए, तो मुझे इतने के लिए 6 लाख, तो मैंने यहाँ पे आइटम का उसका रेट डाल दिया और इसको वैलिडेट करके देखेंगे जो मैंने जो डॉक्यूमेंट में सभी जहाँ पे जो भी फिल करना था वो फिल किए और इसको सेव कर देंगे। सिर्फ सेव करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे सेव एज नहीं करेंगे। यदि यहाँ पे आपने सेव एज किया तो ये भी फाइल अपलोड होगा, इसको नो कर देते, ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया।
तो हम जब टेक्निकल में अपलोड करेंगे तो टेक्निकल में सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, और फाइनेंस में जब हम अपलोड करेंगे तो फाइनेंस में सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो आपका यहाँ पे जब भी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पे टेक्निकल में एक ही पीडीएफ मिलेगा और फाइनेंस में एक पीडीएफ मिलेगा। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे आपको टेंडर फ्रीज करने को मिल जाएगा। यदि हम अपने आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के लेटेस्ट टेंडर के रिलेटेड और सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जानने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत।